मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पीएम मोदी के आह्वान पर पूरे देश में चलाया जा रहा है एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत आज छतरपुर शहर के उत्कृष्ट विद्यालय नंबर 1 एवं पीएम श्री एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छतरपुर रेंजर रजत तोमर एवं प्राचार्य एस के उपाध्याय की मौजूदगी में छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण करते हुए पौधे की सुरक्षा और देखभाल की शपथ भी ली। वही दूसरी ओर पीएम श्री विद्यालय नंबर 2 में भी प्रभारी प्राचार्य राजीव श्रीवास्तव की मौजूदगी में छात्र छात्राओं ने पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम में वन विभाग छतरपुर द्वारा पौधों को उपलब्ध कराया गया था जिसमें मिश्रित प्रजाति के पौधे लगाए गए। छतरपुर रेंज के रेंजर रजत तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत आज नंबर 1 और नंबर 2 स्कूल में पौधारोपण कराया गया और पौधों की सुरक्षा एवं देखभाल करने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर प्राचार्य एस के उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत आज रेंजर रजत तोमर की मौजूदगी में अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया गया। वहीं दूसरी ओर पीएम श्री विद्यालय में भी प्रभारी प्राचार्य राजीव श्रीवास्तव की मौजूदगी में छात्र छात्राओं ने तकरीबन 40 से अधिक पौधों का रोपण करते हुए वृक्षों की देखभाल करने का संकल्प लिया। आज सर किस प्रकार का वृक्षारोपण किया गया, क्या पूरा अभियान है? आज हमारे जिला वनमंडल अधिकारियों द्वारा विद्यालय के ग्राउंड में बहुत सारे पेड़ों का पौधारोपण किया गया। एक पेड़ माँ के नाम से ये कार्यक्रम है, इसमें सभी बच्चों ने मिल कर के एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है और ये संकल्प लिया है कि हम इसको पेड़ को पूरी तरह से जीवित रखेंगे और वायुदूत में उसका रजिस्ट्रेशन करा के जब वो पेड़ बड़ा होगा तब मैं सर्टिफिकेट भी प्राप्त करूँगा। सर पहले तो शुभ परिचय और किस प्रकार का आज कार्यक्रम किया गया? राजीव श्रीवास्तव, प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 छतरपुर जी। आज सर किस प्रकार का वृक्षारोपण किया गया, कौन सा अभियान चल रहा है? आज नंबर 2 विद्यालय में वन विभाग के द्वारा श्री रजत जी तोमर जी के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बच्चे, पूरा स्टाफ, उनके गार्जियंस, उनकी माँ पेड़ लगाने के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। किस प्रकार से देखभाल होगी, कितने पेड़ लगाए गए? यहाँ लगभग 40 पेड़ लगाए गए हैं, उनके लिए गड्ढे खुदवाए गए हैं, तो पानी वगैरह की सारी व्यवस्था की गई है। इन पेड़ों को बिल्कुल बच्चों की तरीके से पाला पोसा जाएगा, इनमें रोज़ पानी दिया जाएगा, ट्री गार्ड लगाए जाएंगे और इनकी सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं बच्चों को दिया गया है जिन्होंने ये पेड़ लगाए हैं। सर आज नंबर 1 में किस प्रकार से वृक्षारोपण किया गया, क्या पूरा कार्यक्रम है? माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की एक इच्छा थी कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ माँ के नाम से एक संकल्प निकाला जाए, तो उसी के तत्वाधान में हमारे DFO साहब, CF साहब के निर्देशन पर आज नंबर 1 स्कूल में हमारे द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया जिसमें सभी विद्यार्थियों को एक एक पेड़ दिया गया जिसमें कि अपने माँ के नाम से वो पेड़ लगाएं और उसको सुरक्षित रखें, उसको पोषित करें, पल्लवित करके एक वृक्ष के रूप में उसको बड़ा करने का संकल्प। तो इसी के तहत आज हमारे द्वारा लगभग 50 पेड़ यहाँ नंबर 1 में लगवाए गए। सारे पेड़ जो हैं वो मिश्रित प्रजाति के हैं जिनसे फूल और फलदार पौधे ज़्यादा हैं ताकि इनसे बायोडाइवर्सिटी को भी फायदा रहे। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।